हम लोग अभी गा रहे थे राधा राधा राधा, हमें प्रतिक्षण श्री राधा रानी का ध्यान करना है, उनका ही गुणगान करना है। तो वो गुणगान क्यों करना है, श्री राधा को हम लोग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इसका उत्तर ये जो यहाँ पर स्तुति है राधा की, ये श्री राधा रानी की स्तुति ऊर्ध्ववामनाय तंत्र में स्वयं भगवान शंकर द्वारा कही गई है, उनके द्वारा की गई ये स्तुति है। मैं अक्सर इसको स्तुति में गाती हूँ। आरती के पहले कुछ लोगों की इच्छा थी कि मैं इसको गाऊं और इसका अर्थ भी बताऊं, तो पूरी स्तुति का अर्थ बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5-6 जितनी भी आज मैं बता सकूंगी आपको बताऊंगी, और शेष स्तुतियों का अर्थ बाद में बताएंगे, और थोड़ी देर हम लोग उसका समझने के बाद गान भी करेंगे। पहली स्तुति है, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते, मुनीन्द्र जो सबसे श्रेष्ठ मुनिजन हैं, साधु संत जन हैं, उनके द्वारा जिनकी सदा वंदना की जाती है, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, जो तीनों लोकों के दुखों को हर लेने वाली है। प्रसन्न वक्त्र पंकजे, वक्त्र माने मुख चेहरा, जिनका मुखारविंद सदा ही मुस्कुराता रहता है। प्रसन्न वक्त्र पंकजे, वक्त्र पंकजे जिनका मुख कमल, जिनके मुख कमल पर सदा ही मुस्कुराहट छाई होती है। निकुंज भू विलासिनी, और जो ब्रज के निकुंज में विहार करती हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं अनेक प्रकार की हुई हैं। कुछ लीलाएं हैं जो द्वारिका में हुई हैं, वो ऐश्वर्य वाली लीलाएं हैं। उससे कम ऐश्वर्य और अधिक प्रेम की लीलाएं मथुरा में हुई हैं। वहां पर भी वो मथुराधिपति के रूप में ही रहे, लेकिन उन्होंने अपना कोई ऐश्वर्य, अपने कोई भगवदीय गुणों को बहुत ज्यादा नहीं प्रकट किया, कभी कभी किया थोड़ा बहुत। फिर जब वो वृंदावन में आए तो वृंदावन में एकदम साधारण ग्वाले बनकर ग्वाल बालों के साथ में उन्होंने लीलाएं की। गोपियां थी, वो भी गोपों के परिवार की थी, उनके साथ अत्यंत साधारण मनुष्य की भांति उन्होंने लीलाएं की और सबके ऊपर प्रेम रस की घोर वर्षा की। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर मधुरता आ जाती है, माधुर्य आ जाता है। तो सबसे अधिक माधुर्य, सबसे अधिक प्रेम रस बरसा है वृंदावन में, और वृंदावन में भी बहुत सी लीलाएं कुंज में हुई हैं, यानी जो वहाँ के जंगल हैं। वृंदावन भी मथुरा का एक वन है, जंगल है, तो जो वहाँ के अन्य वन हैं, कुंज हैं, उनमें उन्होंने अपनी लीलाओं को ज़्यादा प्रसारित किया है, अधिक लीलाओं का उन्होंने प्राकट किया है कुंज में, जहाँ पर केवल
थोड़े ही लोग जो अधिकारी लोग हैं वही पहुंच सकते हैं। अधिकारी लोग माने जो माधुर्य भाव के अधिकारी हैं, जो दास्य भाव के हैं, सख्य भाव के हैं, वात्सल्य भाव के हैं, वो नहीं, उनसे ऊंचे जो माधुर्य भाव के उपासक हैं कुंज में वे ही पहुंच पाते हैं। और कुंज से भी अधिक रस बरसा है निकुंज, माने जो और गहन कुंज हैं जिनके मध्य श्री राधा कृष्ण और उनकी जो विशिष्ट अष्टमा सखियां या उनकी कृपा को प्राप्त कर लेने वाली मंजरियां आदि थी, वहां पर विशेष रस का वर्षण किया है। तो प्रायः राधा कृष्ण गोपांगनाओं के साथ में उन्होंने निकुंज में जो रस बरसाया है वो अद्वितीय है। उसको पाने के लिए सब योगींद्र, मुनींद्र, ब्रह्मा, शंकर ये सब तरसते रहते हैं, लेकिन वो निकुंज रस पाना तो बहुत दूर की बात है। उन गोपियों की चरण रज पाना भी उनके लिए कठिन हो जाता है, ये इतनी दुर्लभ चीज है। और श्री राधा रानी, श्री राधा श्री कृष्ण के साथ में और बाकी गोपांगनाओं के साथ में निकुंज भू विलासिनी, वो निकुंज के धरती पर ही उन्होंने अधिकांश लीलाएं प्रकट की। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी बरसाने में ऋषभानु जी गोपों के राजा हैं, तो ब्रजेंद्र भानु नंदिनी जो ब्रजेंद्र श्री विश्वभानु जी हैं उनकी जो पुत्री हैं ब्रजेंद्र भानु नंदिनी। और ब्रजेंद्र सूनु संगते, सूनु माने पुत्र, नंद बाबा भी वृंदावन में ब्रजेंद्र हैं, गोपों के राजा हैं, उनके पुत्र श्री कृष्ण हैं, नंद नंदन श्री कृष्ण, जो उनके ही साथ प्रायः रहती है वो है ब्रजेंद्र सून संगते। हे श्री राधे रानी, आप कदा करिष्य सीध माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, वो दिन कब आएगा जब आप मेरे ऊपर भी अपनी कृपा भरी दृष्टि से एक बार हमें देख लेंगे। उनका देखना ही पर्याप्त है, एक बार कृपा भरी दृष्टि से श्री राधा ने किसी की ओर देख लिया तो बस उसका काम तो हो गया। इसीलिए भक्त यहाँ पर कहता है कि कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन। स्वयं भगवान शंकर ही कह रहे हैं, हे राधा रानी, आप मुझे अपनी कृपा का पात्र कब बनाएंगे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांगी सेविते। अशोक वृक्ष वल्लरी जो वहां के जंगल हैं, वन हैं, उनमें बहुत से अशोक के वृक्ष हैं और उनके ऊपर लताएं चढ़ी हुई हैं। तो जब चारों तरफ से लताएं चढ़ी हुई हैं अशोक के वृक्ष के ऊपर, तो इस एक प्रकार का वो मंडप सा बन जाता है, एक रूम सरीखा, एक पवेलियन बन जाता है अलग। तो अशोक के वृक्ष के ऊपर चढ़ी हुई लताओं से जो बना हुआ अति सुंदर सुगंधित फूलों से युक्त लताओं का मंडप बना हुआ है, वहीं पर जो प्रायः स्थित रहती हैं, जहाँ वो प्रायः वहाँ पर ही दिखाई देती हैं। तो अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग्री सेविते। प्रवाल माने होता है आम, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभा, उसके जो प्रवाल बाल पल्लव जो पत्ती, नई वाले पत्ते निकलते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं और उनका बड़ा ही प्यारा सा गुलाबी रंग होता है। तो आपके चरणों की प्रभा, आपके चरणों की जो आभा है, वो आम के नवीन, उनको कोपल कहते हैं, नवीन पत्तों के समान अत्यंत कोमल और
अरुण माने लाल यानी गुलाबी रंग की है, तो प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभा रुणांघ्रि सेविते, रुणांग अंघ्रि माने होता है चरण, जिनके चरण आम के नवील पत्तों के समान अरुण हैं, लाल हैं। वरा भय स्फुरत करे, जिनके हाथ सदा ही वर देने के लिए, वरदान देने के लिए थिरकते रहते हैं। प्रभूत संपदालय, काहे का वरदान, प्रभूत संपदालय, प्रभूत माने सब प्रकार की दिव्य संपदा, संपदाएं देने के लिए, दिव्य प्रकार के गुणों को देने के लिए, जिनके हाथ सदा ही वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। हे वो शिराधा रानी, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा भरी दृष्टि से मुझे आप कब देखेंगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भ्रंगर भ्रुवई, अनंग रंग मंगल, यहाँ पर शिराधा रानी की दृष्टि जो उनकी चितवन है उसकी प्रशंसा में कहा जा रहा है कि जब आप सविभ्रमम ससंभ्रमम, यानी जब आप उस अपनी दृष्टि से अत्यंत प्रेम भरी दृष्टि से और ससंभ्रमम जल्दी जल्दी आप जब आपकी जब चलती है आँख, तो अनंग रंग, अनंग रंग माने कामदेव का रंग यानी प्रेम, तो आपके प्रेम भरी मंगल बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही मंगलकारी जो टेढ़ी भौहें हैं, वो टेढ़ी भौहें जब इधर उधर नर्तन करती हैं, जाती हैं इधर से उधर, जब घूमती हैं, तो उस समय जब आप जल्दी जल्दी अपनी आँखों को चला के दृगंत बाण पात नहीं ही, अपनी दृष्टि से, अपनी ग्लैंस के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा जो निरंतर दृष्टि का बाण पातन यानी बाण चलाना, दृष्टि के द्वारा आपके जो नैनों के बाण चलते हैं लगातार निरंतरम लगातार वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, वो श्याम सुंदर नंद नंदन श्याम सुंदर को पूर्णतया अपने वश में कर लेते हैं। श्री कृष्ण को कोई वश में नहीं कर सकता, उनकी एक झलक से ही अनंत ब्रह्मांड उनके वश में हो जाता है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने केवल साधना ही इस बात की है मन को अपने कंट्रोल में करने की, मुनींद्र, ये मुनि लोग क्या करते हैं, मन योग यानी मन को लगाने की प्रैक्टिस, मन पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस। और श्री कृष्ण क्या करते हैं, कर्षति चेतांसि मुनि नाम अपि स कृष्ण, जो मुनियों के भी मन को हर लेते हैं एक दृष्टि में ही, जो बड़े बड़े मुनियों के ऋषियों के मन को हर लेने वाले हैं वो श्री कृष्ण हैं, राम हैं। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, जिसमें राम, जिसमें बड़े योगी लोग भी रमण करते हैं वो श्री राम हैं। ये किसी को भी एक दृष्टि किसी ने देख भी लिया, उनकी एक झलक भी, तो बस वो उनके वश में हो जाता है, वो उनको कोई वश में नहीं कर सकता। लेकिन जब उनकी दृष्टि, जब वो जल्दी जल्दी वे अपने नेत्रों से देखती हैं इधर उधर, तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने नेत्रों के बाण चला के नंद नंदन श्याम सुंदर को भी अपने वश में कर ले रही हैं। तो हे शिराधा रानी, आप मेरे ऊपर वो कृपा भरी दृष्टि कब डालेंगे। तरणित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, तरणित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह, विग्रह माने होता है शरीर, तो जो आपका गौर शरीर है गोरे रंग का, जो आपका शरीर है वो तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त, वो तड़ित यानी जो लाइटनिंग होती है बिजली, सुवर्ण सोना और चंपक, चंपा का एक फूल होता है, तो वो
उनके समान हैं। क्यों? क्योंकि जो बिजली होती है ताड़ित, उसमें चमक होती है, लाइट, जहाँ पर भी बिजली होगी तो वहाँ पर लाइट हो जाती है। श्री राधा रानी का जो श्री विग्रह है, जो उनका शरीर है, वो राजनेक पर लिखा है रूप उजागरी सब गुण आगरी। रूप उजागरी माने उनका भी रूप ऐसा है कि जैसे जहाँ पर भी वो जाती हैं एक लाइट सी फैल जाती है, जैसे बिजली के चमकने से बिजली का रंग भी पीला होता है, पीलापन लिए हुए होता है, और जहाँ भी बिजली होती है वहाँ लाइट हो जाती है। तो तड़ित वो लाइटनिंग के समान है। और सुवर्ण सोना, सोना भी पीली आभा के साथ में होता है और उसके अंदर चमक होती है बहुत ज़्यादा। तो श्री राधा रानी का भी जो शरीर है वो पीला रंग लिए हुए है और उसमें चमक है, बहुत अधिक शाइन करता है उनका। और चंपक, चंपा का जो फूल होता है उसमें भी पीलापन होता है और वो कोमलता होती है और सुगंध होती है। ये तीनों गुण भी श्री राधा रानी के श्री विग्रह में हैं। इसलिए कहा गया कि तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्तु कोटि शारदेन्दु मंडले। और जो आपके मुख की शोभा है वो करोड़ों शारदेन्दु मंडले, जो शरद ऋतु के का जो चंद्रमा होता है उसको, उसकी शोभा को भी छीन कर देने वाला है। ऐसे करोड़ों चंद्रमा की शोभा को मिला दिया जाए तो श्री राधा रानी के मुख की शोभा पर न्योछावर किया जा सकता है। विचित्र चित्र संचरत चकोर शावलोचने। विचित्र चित्र जो आपका शावलोचने, ये जो चकोर पक्षी होता है उसकी आंख से तुलना दी जाती है ठाकुर जी के। क्यों? क्योंकि उसकी विशेषता ये है कि वो बहुत चंचल है, आंखें उसकी ऐसे से चलती ही रहती हैं। तो जैसे कोई चकोर का शाव माने बच्चा हो तो उसकी आंखें जिस प्रकार से चंचल सी, बहुत जल्दी जल्दी घूमती हुई सी दिखाई देती हैं, ऐसे ही अत्यंत विचित्र, बहुत ही आश्चर्यजनक और सबसे अलग, अत्यंत सुंदर आपके नेत्र चकोर, यानी एक बच्चा जो चकोर का होता है उसके समान चंचल सुंदर हैं। तो कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन मदाति यौवने प्रमोद मान मंडिते प्रिया अनुराग रंजिते कला विलास पंडिते। सोचिए पहले हम लोग इतना ही गा लेते हैं, पर शायद हो नहीं पाएगा। राधा रानी का ध्यान करते हुए कि उनकी उपासना तो श्री कृष्ण भी करते हैं, चित्र हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं उनकी मदद के साथ में। श्री राधा का ध्यान करते हुए इस स्तुति का गान करेंगे। Thank you.
Sabe,
संगमम दृगंत बाण पात नहीं सभी भ्रमम ससंगमम दृगंत बाण पात नहीं ससंगमम दृगंत निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने काकरेष्यसि कृपाकटाक्षभाजनं निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने प्रतीत नंद नंदने निरंतरं निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने निरंतरं चंपक प्रदीप गौर विग्रह सुवर्ण चंपक प्रदीप गौर तरित सुवर्ण चंपक प्रदीप गौर प्रदीप गौर विग्रह मुख प्रभा परास्तु कोटि शारदे मंडले मुख प्रभा परास्तु मुख प्रभा परास्तु को चित्र संचरत चकोर शावलोचने चित्र संचरत चकोर शावलोचने सियमां कृपा कटाक्ष कला कृष्ण सी हमारे
कुछ पूछना आप लोगों को।